आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। ललित नारायण मिथिला की 98 जयंती मनाई गई। ललित नारायण मिथिला की 98 जयंती के अवसर पर एसकेएम कॉलेज बेगूसराय के प्रिंसिपल डॉक्टर विमल कुमार ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें एक महान विभूति बताया। प्रिंसिपल ने उनके योगदान को समर्पण करते हुए उनके कार्यों की चर्चा की। इस अवसर पर कॉलेज के सीनियर टीचर डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर एन के गुप्ता, डॉक्टर बी त्रिपाठी, डॉक्टर उमाश्रीना, प्रोफेसर रानी कुमारी, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर नीरज बाला, सुमन, श्रीमती ज्वाला प्रसाद, राय नीना यादव और किसी अनंत सिंह के स्टाफ मौजूद थे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। और बिहार के ललित बाबू ने काफी काम किया, एक मंत्री के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बिहार के लोग ललित बाबू के योगदान को अभी भी याद करते हैं। वैसे विलक्षण व्यक्तित्व का समय से पूर्व जाना अपूर्णीय क्षति है हमारे राज्य के लिए, देश के लिए। उनकी इस जयंती पर हम लोग महाविद्यालय परिवार को अपना श्रद्धा सम्मान अर्पित करता है। क्या नाम? माननीय ललित नारायण मिश्र जी का जयंती मनाया गया। उनका जन्म 2 फरवरी 1923 ईस्वी को हुआ था और बिहार के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1973 से लेकर 1975 तक वो भारत के रेल मंत्री रहे और खासकर मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए और मिथिला भाषा को भारतीय भाषाओं में शामिल करवाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अंततः नेहरू जी के प्रयास से साहित्य अकादमी के समय 1964 के आसपास भारतीय भाषाओं में मिथिला को शामिल किया गया था। और भी बहुत कुछ योगदान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या नाम है? मिथिला पेंटिंग के विकास। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है। उनकी विद्या, उनकी विद्वता, उनकी कर्मशीलता के लिए हम लोग आभारी हैं। अपने दौर में सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे और उद्भट विद्वान थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज बिहार उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और बिहारवासी उन्हें पूरे ही श्रद्धा के साथ याद करता है। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।